जय हिंद दोस्तों, मैं आपका भाई मोहनीश इब्ने आजम आप सबका खैर मकदम करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी बिजनेस की जानकारी दूंगा जो प्लास्टिक स्क्रैप से जुड़ी हुई है और जिस बिजनेस में आपको कंपटीशन ना के बराबर मिलेगा, यानी कि बहुत संधि है इस बिजनेस में ग्रो करने की, क्योंकि ज्यादातर लोग ये बिजनेस कर नहीं पाते और उसका मुख्य वजह यह है कि पब्लिक प्लेटफॉर्म में इन्फॉर्मेशन की कमी होती है। मैं बात कर रहा हूं इंडियन वेस्ट मैनेजमेंट की। ये एक ऐसी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है जो लेट 90s में एब्रॉड्स में आई और हाल ही में सन 2010 के बाद इंडिया में आई और ये वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज ने अपना सिक्का इंडिया में जमाना शुरू किया। एक कंपनी जो इसमें लीड कर रही है इंडिया में उसका नाम है नेपरा वेस्ट मैनेजमेंट, पर यह वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी भी सिर्फ 3 स्टेट के एक एक शहरों में उपलब्ध है, चाहे वो गुजरात हो, महाराष्ट्र हो या मध्य प्रदेश, पर अभी तो पूरा भारतवर्ष बाकी है। और आपको इन वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज को सेटअप करने के लिए अपने अर्बन लोकल बॉडी को कॉन्टैक्ट में लाना होगा। अब आप सोच रहे होंगे ये अर्बन लोकल बॉडी क्या होती है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो आपके इलाके के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होता है, म्युनिसिपल काउंसिल होता है या म्युनिसिपल कम्युनिटी होती है, ये पंचायत कम्युनिटी जो होती है ये होती है आपकी अर्बन लोकल बॉडी, जो आपके शहर के गंदगी कचरे पानी से लेकर हर चीज की देखभाल करती है। ये अर्बन लोकल बॉडी इंडिया में 3 लेवल पे पाई जाती है। पहला होता है महानगर निगम, जिसे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन भी कहा जाता है। दूसरा स्तर पे आता है नगर पालिका, जिसे म्युनिसिपल काउंसिल भी कहा जाता है। और तीसरा जो होता है वो होता है नगर पंचायत। ये जो है ये पंचायत काउंसिल या फिर म्युनिसिपालिटी कम्युनिटी करके भी पहचाना जाता है। अब आप सबको बता दें ये 3 अलग अलग लेवल पे इसके लिए होता है क्योंकि ये आपके सिटी की पॉपुलेशन डिसाइड करती है कि आपकी अर्बन लोकल बॉडी किस लेवल की होगी। अगर आपके सिटी में 10 लाख या 10 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं तो वहां पे हमेशा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ही होगी, महानगर निगम ही होगी, जैसे कि महानगर पालिका होती है। और अगर आपके दर 10 लाख से कम की आबादी है, यानी कि 25,000 से 10 लाख के कम की आबादी अगर है, तो वहां पे नगर पालिका ही होगी। और अगर आपके एरिया में 10,000 से 25,000 से कम तक की आबादी होगी तो आपके इलाके में, आपके एरिया में नगर पंचायत ही होगी। अब ये जो अर्बन लोकल बॉडीज होती हैं, इस अर्बन लोकल बॉडी के आपको मेयर को या फिर म्युनिसिपल कमिश्नर को अप्रोच करना है और आप अपने लोकल कॉरपोरेटर की मदद भी ले सकते हो। पर इन्हें अप्रोच करने से पहले आपके पास एक प्रेजेंटेशन, वेल प्रेजेंट प्लान अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि हर साल जो एनुअल बजट दिया जाता है इन म्युनिसिपालिटीज को, ये एनुअल बजट में ये कचरा तो पिकअप कर लेते हैं, ये डोमेस्टिक कचरों को साफ तो कर लेते हैं, पर इसे कहां डंप करना है इसका ये मार्ग नहीं निकाल पाते। और ऐसे में क्या होता है, ऐसे में लैंडफिल्स के लिए इन प्लास्टिकों का, इन कचरों का व्यापार किया जाता है, जिसके कारण हमारे देश में प्रदूषण अपने चरम सीमा पे। अभी भी भारतवर्ष में 75% जो प्लास्टिक वेस्ट है इसे हम रिसाइकल नहीं कर पाए, तो सोचिए देश में कितने रोजगार मिल सकते हैं, कितने रोजगार बढ़ सकते हैं और कितने एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेसमैन इस बिजनेस के माध्यम के जरिए आगे बढ़ सकते हैं। अब आपको एक वेल प्रेजेंटेशन चाहिए। इस वेल प्रेजेंटेशन में आप कम से कम 5 लाख से 10 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट का प्लान आप रेडी कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग। अब आपके पास कितने फाइनेंशियल सपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग, गवर्नमेंट भी फाइनेंशियली एड करती है, आपको लोन प्रोवाइड करवाती है, बिजनेस लोन, चाहे वो स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत हो या फिर किसी एम्प्लॉयमेंट स्कीम के अंतर्गत हो, पर आपको भारत सरकार की तरफ से लोन भी मुहैया करा के दिया जाता है। पर आपके पास एक वेल प्रेजेंटेशन होना चाहिए और सैंक्शन लेटर होना चाहिए इस लोन को हासिल करने के लिए। अब वो सैंक्शन लेटर कैसे आएगा, आपके प्रेजेंटेशन के माध्यम के जरिए आएगा। जैसे ही आप अपने अर्बन लोकल बॉडी के सीईओ को, यानी कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, चाहे वो आपका म्युनिसिपैलिटी कमिश्नर हो, चाहे वो आपका मेयर हो या डिसीजन मेकिंग कंसर्न पर्सन हो, इन्हें जब आप अप्रोच करते हैं तो आप अपने प्रेजेंटेशन को बताएं कि एक घर से अप्रोक्सीमेट 1 से 1.5 किलो के करीब कचरा निकलता है और हफ्ते में एक बार या हफ्ते में 2 बार कचरे की गाड़ी आती है कचरे को पिकअप करने, और ऐसे में कई मेट्रिक टन कचरा जो है आपके शहर से निकलता है पर इसे आप रिसाइकल नहीं कर पाते। अब इस रिसाइकल करने की जिम्मेदारी आप हमें दें और हमें ट्रायल बेसिस पे आप कचरा दें ताकि हम 2 साल के भीतर
आपको इससे प्रॉफिट जनरेट करके दिखा सके और उस एक प्रॉफिट का शेयर आपके अर्बन लोकल बॉडी को भी हम दे सके। अब कहीं पे कुछ डिसीजन मेकर्स जो होते हैं अर्बन लोकल बॉडीज के, वो थोड़े चतुर होते हैं, तो वो आपको 2 साल की जगह 1 साल 6 महीने या 3 महीने का भी कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं, पर एट दी एंड ये पूरा आपके प्रेजेंटेशन पे होता है। अगर आप एक अच्छा पीपीटी तैयार करके जाते हैं तो आप बहुत अच्छी तरह प्रेजेंट कर पाएंगे, उन्हें बता पाएंगे कि आपके हाउस होल्ड जो स्क्रैप्स होता है, जो डोमेस्टिक प्लास्टिक स्क्रैप होता है, उसमें बहुत से स्क्रैप की मार्केट में अच्छी कीमत होती है। मिसाल के तौर पर पेट बॉटल स्क्रैप, पीपी डोमेस्टिक प्रोडक्ट स्क्रैप, एचडीपी डोमेस्टिक प्रोडक्ट स्क्रैप, फिर उसके बाद एलडीपी के पैकेजिंग मटेरियल्स, एलडीपी मिल्क पाउचेस, सिल्वर फॉइल, एल्यूमिनियम फॉइल हो गया, फिर रैग्स हो गए यानी कि चिंदी कपड़े हो गए, फिर उसके बाद आप कहा जाता है शू और चप्पल से जुड़े हुए सोल, फिर मेटल आइटम्स भी अवेलेबल हो जाते हैं, फिर उसके बाद इसी स्क्रैप में और भी कई स्क्रैप मटेरियल्स निकलते हैं, और जो स्क्रैप मटेरियल्स हम रिसाइकल नहीं कर पाते हैं, उसे रिफ्यूज ड्राइव फ्यूल यानी कि आरडीएफ के माध्यम के जरिए एनर्जी कन्वर्ट करने के लिए, एनर्जी जनरेट करने के लिए हम इस स्क्रैप को बेच सकते हैं। तो इसका प्रेजेंटेशन आपके पास अच्छा होना चाहिए। एक बार जब आप इसे अच्छे से प्रेजेंट करते हो तब आपके ऊपर तवज्जो दी जाती है अर्बन लोकल बॉडी के डिसीजन मेकर्स की तरफ से। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे उनपे उनकी तवज्जो हम पे होगी, ये तो बेघर घूस खाए अपनी कुर्सी तक नहीं हिलाते। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि भारत सरकार स्वच्छ भारत अभियान को लेके काफी गंभीर विचार कर रही है, और ऐसे में इंडिया वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज जब खड़ी होती हैं तो इनका भी फायदा होता है, क्योंकि इससे ये पैसे भी कमाते हैं। बहुत जगह अंडर द टेबल लेन देन की भी बात चलेगी, तो अगर आपके पास कैपेसिटी है, कैलिबर है और आपको ये टेंडर हासिल करना है तो आप ऐसा कर सकते हैं, पर मेरा सुझाव यही है कि अंडर द टेबल काम ना करें, क्योंकि ब्राइब देना और ब्राइब लेना इन दोनों से देश का नुकसान हो सकता है। बाकी आपकी मर्जी, आप समझदार हैं। एक बार जब आप अच्छे से प्रेजेंट कर लेते हैं, अब इसके बाद आपको सेटअप तैयार करना होता है। अब देखिए अलग अलग बजट कैपेसिटी के अनुसार आप जो है अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर पाओगे, सेटल कर पाओगे। आप 10 CR यानी कि 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अगर आपके पास है तो आप एक बड़े लेवल का बिजनेस भी सेटअप कर सकते हो, पर यह बिजनेस आपको हमेशा महानगर पालिका और महानगर निगम यानी कि जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होता है, जिस इलाके में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होता है वहां पे आपको इतना बड़ा सेटअप लगाना चाहिए, क्योंकि वरना बात तो ये हो जाएगी कि आपकी खाने की क्षमता हाथी बराबर है पर खुराक आपको चूहिया बराबर मिल रही है, या फिर खुराक आपको बकरी बराबर मिल रही है। तो आप खुद सोचिए क्या ऐसे में आपका पेट भर पाएगा। तो आप अपने एरिया को समझने के अनुसार जो है आप अपने मशीन्स को सेटअप करें। आप सोचें आप जिस डिस्ट्रिक्ट में, जिले में रहते हैं वहां पे कितने शहर हैं और कितने गांव हैं, और इन गांव में कितने वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज हैं। आपको अक्सर जवाब मिलेगा ना के बराबर। तो ऐसे जगह में आप पैसा कितना कमा सकते हैं इससे आप विचार करें। अब आपको इस बिजनेस को शुरू करने के लिए मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होगी वो होगी एक जगह की, और ये जगह आपके लिए सबसे बेहतरीन अर्बन लोकल बॉडी का डंपिंग ग्राउंड होगा। ये वो डंपिंग ग्राउंड है जहां पे आपके नगर निगम, नगर पालिका यहाँ पे कचरा लाके डंप करती है, और यहीं पे आपको अपना प्लांट सेटअप करना है। आपको 100x100 की जगह में आपका ये प्लांट अच्छे से सेटअप हो जाएगा, जिसमें हर जो स्क्रैप की गाड़ी आती है यानी कि हर जो वेस्ट की गाड़ी आती है आपके अर्बन लोकल बॉडी की, उसे वजन काटे पे वजन किया जाता है और वजन करने के बाद उसे डंप किया जाता है। तो ये स्क्रैप जब आपके इधर डंप होगा तब आपके पास एक सेग्रीगेशन टेबल होना चाहिए। अगर सेग्रीगेशन टेबल इन्वेस्ट करने की आपकी अभी फिलहाल कैपेसिटी नहीं है तो आप नीचे ट्रैम्पोलिन लगा के भी इसको सेग्रीगेट कर सकते हैं। आपको कम से कम 10 एम्प्लॉयज मिनिमम चाहिए, ज्यादा हो तो बेहतर है। ये 10 एम्प्लॉयज में से कम 75% वॉल्यूम हमेशा महिलाओं की होनी चाहिए। क्या वजह है इसकी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। और आपको मिनिमम एक ग्राइंडिंग मशीन और एक बिलिंग मशीन आपको चाहिए। ग्राइंडिंग मशीन को फ्लेक्स बनाने वाली, चूरा करने वाली मशीन भी कहा जाता है, और बिलिंग मशीन को प्रेसिंग मशीन भी कहा जाता है। ग्राइंडिंग मशीन 40,000 रुपए से 1.5 लाख रुपए तक वेरी करती है, और बिलिंग मशीन यानी कि प्रेसिंग मशीन ये 1.5 लाख से 3 लाख तक वेरी करती है। मशीन की कॉन्फ़िगरेशन पे, बिल्ड क्वालिटी पे और उसके ब्रांड नेम पे डिपेंड करता है। मतलब ऑन एन एवरेज आपको 4.5 लाख के करीब आपको मशीन में ही लग जाएगा। अब कई अर्बन लोकल बॉडीज ऐसी होती है जो आपको इलेक्ट्रिक कनेक्शन भी देती है, क्योंकि अगर आपको डंपिंग ग्राउंड में उनकी जगह मिली है जहां पे उनका वेस्ट
स्टोरेज ग्राउंड होता है जहां पे उनका डंपिंग होता है, वहां पे अगर आपको जगह मुहैया कराई गई है तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन भी आपको अर्बन लोकल बॉडी की तरफ से इशू हो जाता है। कई जगह पे होता है, कई जगह पे नहीं होता है। अगर इशू हो जाता है आपको तो आपको इलेक्ट्रिसिटी भी फ्री है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगता था वेस्ट लाने के लिए, वो भी अर्बन लोकल बॉडी की, नगर निगम की गाड़ियां कचरा चुन के लेके आती है, तो वहां पर भी आपका पैसा बच जाता है। अब आप क्या करोगे, अब आप उस स्क्रैप को सेग्रीगेट करोगे, आप काम वाली बाई लगाओगे। इसमें क्या क्या अलग अलग सेग्रीगेट करोगे, आप पेट बॉटल अलग कर लोगे, आप HDPE और PP के जो कैंस और हाउस होल्ड डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि शैम्पू की बोतल, शहद की बोतल, ये अलग अलग जो टाइप के बॉटल्स और कैंस होते हैं, इसको अलग सेग्रीगेट कर लोगे। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद LDPE के जो रैपिंग और पैकेजिंग मटेरियल्स होते हैं, मिल्क पाउचेस होते हैं, इसको अलग सेग्रीगेट कर लोगे। इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद आप जो PP के बैग्स आते हैं, शुगर के बैग्स आते हैं, प्लास्टिक वुवन बैग्स आते हैं, इसको अलग सेग्रीगेट करोगे। चप्पल जूतों के सोल को अलग सेग्रीगेट करोगे। जो कपड़े चिंदी आते हैं, जैसे कि घर में जो पोछा मारने वाला चिंदी होता है, ज्यादा फट गया उसको फेंक दिया गया, कोई पैंट फट गई है नहीं वापर रहे उसको फेंक दिए, तो ये चिंदी अलग सेग्रीगेट आप करोगे, यानी कि उसको अलग निकालोगे, शॉर्टिंग करोगे। सेग्रीगेशन का अर्थ होता है शॉर्टिंग करना, अलग अलग करना। अब उसके बाद आप पेट बॉटल को अलग कर लिए, सारे प्लास्टिक टाइप्स को अलग कर लिए, अब इसमें आपको सिल्वर फॉइल भी मिल जाएगा, फिर इसके बाद आपको और भी कई पैकेजिंग मटेरियल्स मिल जाएंगे, मेटल स्क्रैप्स मिल जाएंगे, ये सारों को अलग अलग सेग्रीगेट करके आपको रखना है। अब इसमें पेट बॉटल को आप बेल भी कर सकते हो, ग्राइंड भी कर सकते हो। जो PP और HDPE के प्रोडक्ट्स है, इसको अलग अलग आप ग्राइंडिंग कर सकते हो। फिर इसके बाद जो PP के वुवन बैग्स होते हैं, उसको आप बेल कर सकते हो। LDPE के जो पैकेजिंग मटेरियल होते हैं, जो LDPE के लाइनर पन्नियां होती हैं, इसको आप बेल कर सकते हो। मिल्क पाउचेस को आप बेल भी कर सकते हो, ग्राइंड भी कर सकते हो, पर ग्राइंडिंग ज्यादा महत्व देता है। आप ये सारी चीजों को जब आप इस तरह सेग्रीगेट करते हो, तो मार्केट में आप इसे ₹3 से 45-50 रुपए किलो तक बेच सकते हो। हर प्लास्टिक टाइप स्क्रैप की अलग अलग कीमत होती है, और जो कचरा ना आप उसे रिसाइकल कर सकते हो, ना आप उसे यूज कर सकते हो, ना आप उसे बेच सकते हो, वो कचरे को आप रिफ्यूज ड्राइव फ्यूल यानी कि RDF के अंतर्गत आप उसे पावर जनरेशन के लिए, आप उसे एनर्जी जनरेशन के लिए, आप उसे ब्रिक्स बनाने वाली यानी कि ईंट भट्टे वाली कंपनी, पावर प्लांट और अन्य जगह पे सीमेंट कंपनीज में आप इसे सप्लाई कर सकते हो। 2 से 3 रुपए किलो में ये चला जाता है, तो है ना, ये मेस मैनेजमेंट बहुत अच्छा कमाने का जरिया। आपको प्लास्टिक स्क्रैप तो फ्री में मिल जाता है शुरुआत के दिनों में, और वहां पे आप अपने बिजनेस को किक स्टार्ट कर सकते हो। एक बार आपके बिजनेस का साइकिल प्रॉफिटेबल होने लगता है, तब आप जो है, आपके बिजनेस पे नगर निगम की, अर्बन लोकल बॉडी की नजर होती है, और तब ये आपसे निगोशिएट करते हैं टेंडर देने के लिए। एक बार जब आपका बिजनेस वेल सेटल हो जाता है, तो आप अप टू 25% तक जो है आप अपना प्रॉफिट पर्टिकुलर अर्बन लोकल बॉडी से शेयर कर सकते हो। मिसाल के तौर पे अगर आप एनुअली 1 CR का टर्नओवर कर रहे हो मिनिमम, तो उसमें आप 25 लाख रुपए भी अगर आप अपने अर्बन लोकल बॉडी को देते हो, तो आपके अर्बन लोकल का बॉडी का फायदा ही है, क्योंकि वो 25 लाख रुपए अर्बन लोकल बॉडी अपने कमाई में दिखा पाएगी अपने एनुअल बजट में, तो है ना, ये फायदे का सौदा। अब अप टू 25% जो मैं बात कर रहा हूं, ये वेरी हो सकता है, डिपेंड आपके नेगोशिएशन पे और सामने वाले के साथ आपके कितने अच्छे रिलेशन है उसके ऊपर ये निर्भर करता है। कुछ लोग 10% अपने प्रॉफिट का देते हैं, कुछ 15% देते हैं, और कुछ कुछ तो जो पंचायत होती है, कुछ कुछ जो नगर पंचायत होती है, जो छोटे स्तर पे अर्बन लोकल बॉडीज होती हैं, वो तो कहती है कि भैया हमें 1 रुपया भी मत दो, हमारा पूरा आप गंदगी साफ कर दो, और कुछ लोग अंडर द टेबल पैसा लेके काम निपटा देते हैं। तो ये तो आपके सूझबूझ पे डिपेंड करता है कि किस तरह आप अपना कार्यक्रम कर पाओगे। अब अगर आपका प्लान बड़ा है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया है, उस वेबसाइट पे जाके आप जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्लांट होता है उसे कैसा सेटअप करना है और उसकी क्या जानकारी होती है, वो आपको नीचे एक थर्ड पार्टी वेबसाइट में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। पर मेरी गुजारिश रहेगी कि 10 से 15 CR के इन्वेस्टमेंट करने से बेहतर है आप छोटे स्तर पे इन्वेस्टमेंट करें और इस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट को जो है सेटअप कराएं, ताकि आपका ज्यादा से ज्यादा लाभ हो और कम से कम रिस्क हो। अब आपकी जानकारी के लिए मैं आपको ये भी बता दूं कि जो एम्प्लॉयज की बात मैंने की थी, वो एम्प्लॉयज में आपको इस बात का खास तौर पे ख्याल रखना है कि महिलाएं ज्यादा इसके लिए हो, क्योंकि महिलाएं जो होती हैं ये छुट्टी नहीं लेती हैं बेगर वजह के। दूसरी चीज, महिलाएं सैलरी के बार बार अपग्रेड करने की बात नहीं करती है, सैलरी में इंक्रीमेंट की बात कभी नहीं करती हैं ज्यादातर।
और महिलाएं ऐसी होती हैं जो अपने शिफ्ट के अनुसार काम करती हैं, ना एक मिनट कम काम करेंगे ना एक मिनट ज्यादा, और इससे महिला सशक्तिकरण में भी आपका योगदान माना जाएगा। अगर आप महिलाओं के वॉल्यूम को कम और पुरुषों के वॉल्यूम को ज्यादा रखते हैं तो पहली चीज तो ये है कि 10 घंटे की जो शिफ्ट होती है उसमें अगर आधे घंटे का इनका ब्रेक होता है तो ब्रेक टाइम छोड़ के भी इनका 2 से 3 घंटे का वक्त फोन पर बात करना, सिगरेट, पान, तंबाकू और गुटखा आदि वस्तुओं में इनका वक्त चला जाता है। और ये अक्सर कोई 200 रुपया भी बढ़ा के पगार दे तो ये जॉब स्विच करने के लिए तैयार होते हैं। तो इसी के लिए 70% महिलाओं को जो है आप हायर करें अपने एम्प्लॉयज में। और महिलाओं की एक बात और खास होती है कि सेग्रीगेशन में महिलाओं का हाथ हमेशा मर्दों के ऊपर माना जाता है, यानी कि महिलाएं सेग्रीगेशन करने में, शॉर्टिंग करने में मर्दों से बेहतर होती हैं, तो आप इस बात का भी ख्याल रखें। अब जैसे जैसे आप अपने बिजनेस को इम्प्रूव करते जाओगे, जैसे जैसे प्रॉफिट आप इम्प्रूव करते जाओगे, आप इनसे एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट ले सकते हो, और एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट लेने के बाद आसपास के भी अर्बन लोकल बॉडीज को अप्रोच करके वहां पे भी अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हो, एक चेन तैयार कर सकते हो वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट की, तो इससे आप जल्दी जो है करोड़पति बन सकते हो। तो ये बिजनेस आप अवश्य करें। मेरी एक गुजारिश आपसे रहेगी इस वीडियो के माध्यम के जरिए कि इस इन्फॉर्मेशन को जो मैंने आपको प्रोवाइड कराया है, इस इन्फॉर्मेशन पे अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 3 से 6 महीने R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में देनी होगी। मैंने सिर्फ आपको इनिशियल बेसिस पे जानकारी दी है, आप जितना ज्यादा इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे उतना आपकी तरक्की होगी। और अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल होगा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे हमें कॉल से कर सकते हैं। हम फी सबिलिल्लाह अल्लाह की रजा के लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जानकारी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि एमएस ट्रेडर का ये गोल है कि अगर देश से बेरोजगारी को है भगाना तो उद्योग को, बिजनेस को दिल से है अपनाना। हम जानकारी फ्री में देते हैं, बिजनेस फ्री में नहीं करते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक बटन दबा के हमें बता सकते हैं ताकि हमें भी एहसास हो सके कि हम जो मेहनत अल्लाह की रजा के लिए आपकी मोहब्बत में कर रहे हैं वो मेहनत रंग ला रही है और आप तक वो बात पहुंच रही है जो हम बताना चाहते हैं। और अगर आपके मन में कोई फीडबैक देना आ रहा है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, तो बेझिझक कॉमेंट बॉक्स खुला है, आप अपने राय रखें ताकि हमें भी पता चल सके कि हमारी नाव सही जा रही है, तेज जा रही है, धीरे जा रही है या गलत रास्ते पे जा रही है। तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, आपके फीडबैक से हमारा परिवार और बेहतर होगा और निखरेगा। और अगर ये वीडियो मुसलसल आपका देखने का मन करता है और अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको पता है सब्सक्रिप्शन कैसे ली जा सकती है, कहाँ सब्सक्राइब बटन है, आप उसे दबा सकते हैं। और अगर इंस्टेंटली आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बेल आइकॉन कैसे दबाते हैं ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, आप इस देश में समझदार लोगों में शुमार होते हो, तो बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ये इन्फॉर्मेशन आप तक ना सीमित रहे बल्कि लोगों को भी पता चले कि इस तरह एमएस ट्रेडर फ्री में जानकारी देता है और हम देश से बेरोजगारी भगाने में और देश से बेरोजगारी को दूर करने में अपना योगदान दे सकते हैं। तो ये वीडियो जनहित में जारी है, जरूर इसे शेयर कीजिएगा। मैं आपका भाई मोहनीश इब्ने आजम अभी के लिए आपसे इजाजत चाहता हूं। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।